नमस्कार, मैं प्रिया धराधर 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। आज यानी 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो चुकी है। इस बीच अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है तो ये खबर आपके लिए है। बैंक के काम के लिए घर से निकलने से पहले एक बार चेक जरूर कर ले कि कहीं आपका बैंक बंद तो नहीं। दरअसल इस महीने 1-2 नहीं बल्कि पूरे 15 दिन बैंक बंद रहेंगे, इसलिए छुट्टियों की पूरी लिस्ट चेक कर लेना आपके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। गुरुवार को संपत्ति विवाद में सुनवाई करते हुए दिल्ली की एक अदालत ने कहा है कि बेटी की जान जाने के बाद भी दामाद और नातियों का पिता की संपत्ति में अधिकार माना जाएगा। कोर्ट ने अगले आदेश तक दूसरे पक्ष को संपत्ति की बिक्री या किसी अन्य तरह के अधिकार पर रोक लगा दी है। सरकार ने हाल ही में NSC, PPF और सुकन्या समृद्धि योजना समेत छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों की घोषणा की, जहां मुद्रास्फीति के ऊंचे लेवल पर होने के कारण 2022-23 की पहली तिमाही के लिए दरों को पहले जैसा ही रखा गया है, यानी कि पिछली ब्याज दरों को बदला नहीं गया है। 2020-21 की पहली तिमाही के बाद से ब्याज दर को संशोधित नहीं किया गया है। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने राजीव गांधी के कार्यकाल के बाद से पहली बार 100 सांसदों की संख्या को पार करने में सफलता पाई है। इससे पहले ये रिकॉर्ड सिर्फ कांग्रेस के पास ही था। गुरुवार को हुए राज्यसभा चुनाव के बाद राज्यसभा में भाजपा के सांसदों की संख्या 97 से बढ़कर 101 हो गई है। कांग्रेस के लिए ये चुनाव परिणाम 5 राज्यों में मिली करारी हार की ही अगली कड़ी है, जिसके चलते ये पार्टी अब उच्च सदन में मुख्य विपक्षी दल होने का दर्जा खत्म होने की तरफ बढ़ चली है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार को राज्य की विधानसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया है। उन्होंने विधानसभा में पेश प्रस्ताव में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को तत्काल पंजाब को हस्तांतरित करने की मांग की है। उन्होंने विधानसभा में पेश प्रस्ताव में केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को तत्काल पंजाब को हस्तांतरित करने की बात कही है। देश भर के कई हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ रहा है। इस साल मार्च के महीने में पूरे देश में गर्मी का प्रचंड मार्च देखने को मिला है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के कुछ हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने माना है कि शुक्रवार यानी कि आज दिल्ली में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर अपनी मौजूदगी को बढ़ाया और समूचे भारत के लोगों से उनकी मूल भाषा में जुड़ने के साथ ही विभिन्न पहलुओं पर अपडेट देने में सहूलियत होने की बात कही है। रक्षा मंत्रालय ने प्रधान प्रवक्ता के साथ चेन्नई, गांधीनगर, गुवाहाटी, हैदराबाद, इम्फाल, जयपुर, जालंधर, जम्मू, कोची, कोहिमा, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, पालम, पुणे, शिलांग, श्रीनगर, त्रिवेंद्रम और विजाग के जनसंपर्क अधिकारियों ने सोशल मीडिया ऐप कू पर अलग अलग अकाउंट खोले हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ओडिशा के स्थापना दिवस पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी और कहा है कि राज्य ने दुनिया को शांति प्रेम बनाए रखने और हिंसा से दूर रहने का संदेश दिया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के इस्तीफे की मांग करते हुए सैकड़ों प्रदर्शनकारी उनके आवास के बाहर एकत्र हुए, जिसके बाद 45 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और कोलंबो शहर के ज्यादातर इलाकों में कुछ देर के लिए कर्फ्यू भी लगा दिया गया। देश में आर्थिक संकट है और लोग राष्ट्रपति को इसका जिम्मेदार मानते हैं। TTE आमतौर पर टिकट चेक करते हैं और टिकट नहीं होने पर जुर्माना वसूलते हैं। इस आम काम को भी एक TTE ने बेहद खास बना दिया। हम बात कर रहे हैं पट्टा जंक्शन पर तैनात TTE शशि कुमार की, जिन्होंने गजब का काम किया है। चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान शशि कुमार ने बिना टिकट 16,423 यात्रियों को पकड़ा है, जिनसे 1,11,51,000 रुपये जुर्माना वसूला गया। इनके कठिन परिश्रम को देखकर रेलवे विभाग भी अचरज में है। यूक्रेन पर हमले के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय दबाव में रूस के कच्चे तेल के लिए डिमांड खासी कम हो गई है। इस कारण रूस ने भारत को भारी डिस्काउंट पर तेल की बिक्री की पेशकश की है। प्रतिबंधों की मार का सामना कर रहे रूस ने अपने फ्लैगशिप यूरल ग्रेड का तेल भारत को युद्ध पहले की कीमत की तुलना में $35 के भारी डिस्काउंट पर बेचने की पेशकश की है। तब से ब्रेंट क्रूड की कीमतें लगभग $10 बढ़ चुकी है। श्रीराम जन्मभूमि पर निर्माणाधीन श्रीराम मंदिर की खूबसूरती और मजबूती के लिए हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की इकाई इंडियन कॉपर कॉम्प्लेक्स कारखाना में निर्मित तांबे की 35,360 पत्तियां पहले खेप अयोध्या पहुंच गई है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित घाटशिला के मऊ भंडार स्थित कारखाने से 13.90 टन तांबे से बनी पत्तियों को राम जन्मभूमि में रखा गया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने गुरुवार को कोरोना मामलों में गिरावट के बीच सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर लगने वाले जुर्माने को हटाने का फैसला लिया है। अब तक राजधानी में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने पर ₹500 का जुर्माना लगता था। पिछले साल नवंबर में जब दिल्ली में कोरोना के मामलों में तेजी देखी गई थी तो इसे बढ़ाकर ₹2,000 तक कर दिया गया था। पिछले 24 घंटे में अमेरिका ने दो बड़े बयान दिए हैं। पहला ये कि भारत और रूस के संबंधों से उसे कोई आपत्ति नहीं है और अमेरिका भारत के संबंध पहले की तरह मजबूत होंगे। दूसरा बयान ये कि पाकिस्तान को अस्थिर करने या सरकार गिराने के संबंध में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है। घरेलू परिस्थितियों में अमेरिका को घसीटने की कोशिश ना की जाए। अमेरिका का यह बयान रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के 2 दिवसीय दिल्ली प्रवास को देखते हुए दिए गए हैं।
पहली बार बिहार का वार्षिक बजट खर्च 2,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। वर्ष 2004-05 में कुल बजट 23,885 करोड़ रुपए था, जिसमें मात्र 20,058 करोड़ ही खर्च हुए थे। वहीं साल 2021-22 में बिहार का कुल बजट आकार 2.18 लाख करोड़ रुपए का था और राज्य सरकार 2,46,651 करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने में सफल रही है, जो कि पिछले साल से 21% ज्यादा है। राजस्थान बजट 2022-23 की घोषणाओं का आज यानी 1 अप्रैल से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। सीएम गहलोत ने राज्य बजट की 210 घोषणाओं को गुरुवार को मंजूरी प्रदान कर दी है। नए वित्त वर्ष में इन घोषणाओं का लाभ जनता को मिलने लग जाएगा। इसमें आज से सभी सरकारी अस्पतालों में ओपीडी और आईपीडी निःशुल्क होने भी शामिल है। सीएम गहलोत ने 23 फरवरी को वित्त वर्ष 2022-23 का बजट पेश किया था। भारतीय सेना 10 दिसंबर 2021 को 1,02,955 सैनिकों की कमी महसूस कर रही है। सेना से हर साल 60,000 सैनिक सेवानिवृत्त हो गए थे। अगर इस आंकड़े का भी हिसाब लिया जाए कि उपरोक्त आंकड़ों में अब तक 20,000 की संख्या और जुड़ गई होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 22 मार्च 2022 को संसद को जानकारी दी कि पिछले 2 सालों से कोविड महामारी के कारण सेना में भर्तियां स्थगित है। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने आज से अपने पायलटों के वेतन में 8% की बढ़ोतरी की है। विमानन कंपनी इंडिगो ने उड़ान संचालन सेवाओं के धीरे धीरे पटरी पर लौटने के साथ ही अपने पायलटों का वेतन बढ़ाया है। पिछले 2 साल में कोविड-19 से प्रेरित कम मांग की कारण राजस्व में गिरावट के कारण एयरलाइन ने पायलट सहित कई श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन में कटौती की थी। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। अमेरिका की तमाम कोशिशों और प्रतिबंधों के बावजूद रूस ने युद्ध जारी रखा हुआ है। इन दोनों देश के बीच चल रहे युद्ध की वजह से बहुत सारी चीजों के दाम भी बढ़ रहे हैं, जिनमें कच्चा तेल भी शामिल है। इस भागम भाग के दौर में सुकून के पल गाने सुनने में मिलते हैं। वहीं अगर आपको पुराने गाने सुनने का शौक है तो सारे गमा के बिना आपका कलेक्शन पूरा नहीं हो सकता। अगर बात करें 70s से 80 के दशक की, तो इसमें हमारे पेरेंट्स के पास सारे गमा के तमाम वो कैसेट थे जिसमें एक से बढ़कर एक सदाबहार गाने थे। फिर सारे गमा ने कारवां को लॉन्च किया और आज हर घर में कारवां आपको मिल जाएगा। आज यानी 1 अप्रैल को नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो गई है। नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही पहले से ही पेट्रोल डीजल और घरेलू रसोई गैस के दाम बढ़ने से महंगाई से जूझ रहे आम लोगों का बजट अप्रैल महीने में और बिगड़ सकता है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज यानी शुक्रवार 1 अप्रैल को एलपीजी गैस सिलेंडर के नए रेट जारी कर दिए हैं। एक और पेट्रोल और डीजल के पिछले 10 दिनों में लगातार मूल्य वृद्धि जारी है और अब तेल कंपनियों ने एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में एक झटके में 267 रुपये बढ़ा दिए हैं। प्रदेश की औद्योगिक राजधानी कहे जाने वाले अलवर में छोटे बड़े 15 से अधिक औद्योगिक क्षेत्र हैं, जिनमें 20,000 से ज्यादा औद्योगिक इकाइयां हैं। अलवर दिल्ली के नजदीक है, इसलिए कारोबारी यहां निवेश करते हैं। ऐसे में सरकार अलवर में 5 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की तैयारी में है। इसके लिए जमीन चिन्हित की जा चुकी है, साथ ही सभी सरकारी विभागों की एनओसी और सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है। दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने अपने नाम नया रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल ब्रिटेन स्थित वैश्विक ट्रैवल डेटा कंपनी ओएजी द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार हवाई यात्रा की बढ़ती मांग और कोविड मामलों में गिरावट के साथ दिल्ली हवाई अड्डे ने मार्च में दुनिया का तीसरा सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बनने के लिए शानदार सुधार दर्ज की है। 2 साल पहले मार्च में दिल्ली एयरपोर्ट 20वें नंबर पर था। मुख्यमंत्री योगी 4 अप्रैल को श्रीवास्तवी से स्कूल चलो अभियान की शुरुआत करेंगे। उन्होंने गुरुवार को एक बैठक में विधायकों और अधिकारियों को स्कूलों को गोद लेने का निर्देश दिया। वहीं स्कूलों की दशा सुधारने को पुराने विद्यार्थी सीएसआर की मदद भी ली जाएगी। आईएसआई एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान में आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार 5 अप्रैल 2022 तक अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। आईएसआई प्रवेश परीक्षा 2022 8 मई 2022 को आयोजित होने वाली है। आवेदन करने के चरण और सीधे लिंक का उल्लेख नीचे दिया गया था। देश का सबसे प्रतिष्ठित ग्रुप टाटा है और इस ग्रुप के पास एक से बढ़कर एक कंपनियां हैं। ये कंपनियां बहुत ही अच्छा कारोबार कर रही हैं। यही कारण भी है कि इन कंपनियों में निवेश करने वालों को लगातार अच्छा रिटर्न मिल रहा है। यह अच्छी कंपनियां लगातार कई सालों से बहुत ही अच्छे रिटर्न दे रही है। ऐसे में इन कंपनियों में आगे भी अच्छा फायदा होने की आशा है। अगर आप भी टाटा ग्रुप की ऐसी ही अच्छी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं, पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के भू अर्जन मद की बड़ी राशि मार्च क्लोजिंग के कारण अटक गई है। इस महीने 7 मार्च को वित्तीय वर्ष 2020-21 में 492.41 करोड़ रुपए भू अर्जन मद में निकासी की स्वीकृति दी गई है, मगर सीएफएमएस पोर्टल पर राशि की कैपिंग कर दिए जाने के कारण इस राशि की निकासी नहीं हो सकी। शिक्षा से माफिया राज को खत्म करने की दिशा में लगातार काम चल रहा है। कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं, लेकिन अब भी वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। बिहार यूनिवर्सिटी से जुड़ा एक ऐसा ही मामला सामने आया है, इसकी वजह से करीब 10,000 विद्यार्थी सड़क पर आ गए हैं। चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना नेपाल में लगभग अटक सी गई है। द इकोनॉमिक टाइम्स अखबार लिखता है कि चीन की इस विशाल परियोजना के कई प्रोजेक्ट्स के फायदे को लेकर स्पष्टता नहीं होने और पैसों की कमी के कारण नेपाल में इसे भारी झटका लगा है।
कार विनिर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया MSI ने 170,395 इकाई की बिक्री के साथ मार्च में कुल थोक बिक्री में 2% की वृद्धि दर्ज की है। मारुति सुजुकी ने एक बयान में कहा है कि कंपनी ने मार्च 2021 में 167,014 इकाइयों की बिक्री की। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सोनी कुमारी, विवेकानंद सिंह, कार्तिक राज, महेश कुमार यादव, सोनाली सिन्हा, विपिन बिहारी, जितेंद्र ठाकुर, अर्पण कुमार, सोनी कुमारी, सुजीत कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार इस बार IPL में किस टीम का पलड़ा भारी है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।